इलेक्शन रिजल्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के चुनाव। अनुराग दलाल बने स्टूडेंट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट। एनएसयूआई से टिकट न मिलने पर एनएसयूआई के पूर्व स्टेट प्रेसिडेंट सिकंदर भूरा ने इंडिपेंडेंट खड़ा कर अनुराग दलाल को चुनाव लड़वाया और अनुराग दलाल जीते, जिन्हें कुल 3433 वोट पड़े। जहां दूसरे नंबर पर सिस रही, जहां प्रिंस सैनी 3130 वोट पड़े। वाइस प्रेसिडेंट एनएसयूआई के अर्चित गर्ग बने। सेक्रेटरी इंसो के विनीत यादव बने। जॉइंट सेक्रेटरी एबीवीपी के जसविंदर राणा बने। पंजाब यूनिवर्सिटी पूर्व छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंट पद आजाद उम्मीदवार अनुराग दलाल ने बाजी मारी है। उनका सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी के स्टूडेंट विंग सीवाईएसएस के प्रिंस चौधरी से रहा। चुनाव में तीसरे नंबर पर एबीवीपी की अर्पिता मलिक है, जबकि एनएसयूआई उम्मीदवार चौथे नंबर पर रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के नए प्रेसिडेंट बने अनुराग दलाल ने बताया कि उनके परिवार का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहा है। उनके माता पिता टीचर हैं, जबकि वह डॉक्टर है। उन्होंने बताया कि वह पीएचडी स्कॉलर हूँ। वह हरियाणा के रोहतक से है। उनकी रिहायश लाखन गांव में है। उन्होंने बताया कि वह स्टूडेंट के हक में रहूंगा। उन्होंने बताया कि काउंसिल सबके सहयोग से चलेगी। उन्होंने बताया कि मैंने किसी के बारे में गलत नहीं बोला हूँ। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने का अभी कोई इरादा नहीं है। उन्होंने अपनी जीत के लिए एनएसयूआई चंडीगढ़ प्रधान पद छोड़ने वाले सिकंदर भूरा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि जो वायदे उन्होंने किए थे वह पूरे किए जाएंगे। नेशन न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। देख रहे हैं नेशन न्यूज। देश और दुनिया की हर खबर के लिए जुड़े रहे नेशन न्यूज से। पल पल की खबर आप तक पहुंचे, नेशन न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेशन न्यूज में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, ताकि आप आने वाली हर खबर तक पहुंच सकें।